आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। थानाखेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी हुए नियंत्रण, लगातार हो रही चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने नाकाम साबित हो रही। खेरी पुलिस ऑयल चौकी के क्षेत्र में मोतीपुर गांव में बीती रात पुलिस ने बेखौफ शातिर अज्ञात चोरों से घर के मुख्य द्वार पर दाखिल हुए। चोरों ने 35,000 रुपए की नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी कर ली गए। पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि धीर प्रकाश अवस्थी पुत्र कृपा शंकर अवस्थी निवासी मोतीपुर ऑयल एक 1.5 तोले की सोने की चेन, 3 सोने की अंगूठी, 4 जोड़ी चांदी के पायल, 1 जोड़ी सोने के टप्स, 45,000 रुपए नगद एवं नकदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 1.1 लाख रुपए के 5 बॉन्ड चोरी कर लिए, जिसकी सूचना 112 नंबर पर पीआरबी पुलिस समेत ऑयल स्थानीय पुलिस को दी गई है। लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके कारण दहशत में माहौल बना हुआ है। क्या नाम भैया? द्वितीय शास्त्री। पिता का नाम क्या है? किस गाँव रहने वाले? चौकी कौन चलती है? तो ये चोरी की घटना किस तरीके से हुई? चोरी है, पापा के शुगर की प्रॉब्लम है तो बाथरूम जाया करते हैं जी। जो हमें लग रहा है कि ये इस बाथरूम गए होंगे जी, उसी बीच चोर अंदर आ गया जी। उसके बाद जैसे हम लोग सुबह मम्मी साढ़े 4 बजे उठी जी, तो जैसे अंदर आए तो देखिए बैग वगैरह बिखरे हुए पड़े थे जी। हमने देखा बक्सा गायब था जी, फिर बीच और कमरे चेक किए उसमें भी बक्सा गायब था जी। उसके बाद हम बाहर निकले, बाहर निकले देखे जो हमारा बरिहाना है वहाँ तार कटे थे, इधर से हम लोग गए बाग में देखने तो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था। फिर हमने 112 नंबर पुलिस से कॉल किया, बोल गए। तो यहाँ आपके घर से बक्सा गए हो कितनी दूरी पड़ पा रहा है? यहाँ से लमसम 250 किलोमीटर बाग है मेरे घर के पीछे। क्या क्या लेकर गए हैं? इसमें मम्मी का जो जेवर था, एक चैन गई है, 3 अंगूठी गई हैं और 4 जोड़ी पायल गई हैं, पापा के बांड गए हैं जी, और 35,000 रुपये लगते हैं एक जोड़ी तब से। तो सुबह जो कौन सा दरवाजा आपको खुला मिला? दोनों दरवाजे ओपन थे, एक जो हमारा फ्रेंड का है वो भी और जो पीछे का वो भी। चोर पहले अंदर आए उसके बाद वो दोनों दरवाजे ओपन कर लिए। इस मामले को लेकर संबंधित चौकी को आपने बताया? हाँ बता दिया, सूचना दे दी। मौके पर आई थी पुलिस? हाँ मौके पर पुलिस। इस मामले को लेकर संबंधित चौकी को आपने प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र भी देने जा रहे हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।